हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्ट टीडिप के बारे में कि जैसे कि हमारे कोई कोई फंक्शंस होते हैं जो ओनली इफ में वर्क करते हैं एंड एल्स में नहीं कर सकते। ऐसे सपोज डेट के मुझे एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो एंड अकॉर्डिंगली उसको ड्रैग करके हम सेम फॉर्मूला यूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर नेस्ट टीडिप मैं आपका यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे नेस्ट टीडिप वर्क करता है एंड हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा तो आके आपको गाइस। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने डेटा लिया स्टूडेंट का नेम एंड मार्क्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम डेटा को सिलेक्ट करके देखते हैं कि कैसे परफॉर्म एक्शन होता है, हमारा एक्शन परफॉर्म होता है। सो गाइस यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाता हूँ, जैसे कि सपोज आपने स्टूडेंट का मार्क्सशीट तो देखी होगी बिकॉज आप भी जब पढ़ रहे होंगे तो आप आई होप कि स्टूडेंट हो या फिर कोई और अपने, तो स्टूडेंट की मार्कशीट जैसी होती है, जैसे हमारा यहाँ पे होता है 33, 33 मार्क्स होते हैं तो हमारा वो होता है मतलब एवरेज पास, हाँ पास हो चुका है। एंड उससे लो हो तो हम उसको या तो सप्लीमेंट्री या फिर फेल माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक कंडीशंस लगाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर मैंने लगाया इफ़, जैसे कि आप मैंने सिखा ही चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि इफ़ कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम उसका फंक्शंस बनाते हैं, तो वो हमारा अवेलेबल होता है एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू एंड इफ जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो हमारा हो चुका G9, मतलब 33 जो वैल्यू है वो क्या है, इफ़ G9 इज लेस देन, सॉरी गाइस, इज ग्रेटर देन 75, तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए एक्सटेंशन, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि हमारी जो G9 की वैल्यू है 33, अगर वो ग्रेटर देन है 75 से, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू है 75 से ग्रेटर या 75, तो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन दी है। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं अपनी कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स बनाने के लिए। तो आप वहाँ से मेरी ऑपरेटर की वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा ऑपरेटर के बारे में, कैसे इक्वल टू ग्रेटर देन वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है ग्रेटर देन, कि G9 जो हमारा है 75 से ग्रेटर देन है तो हमारी क्या वैल्यू परफॉर्म होना चाहिए, कि डिस्टेंशन। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन की नीड है, तो हमें क्या करना है, मुझे नेस्टेड इफ़ लगाना है, तो हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेट किया कॉमा से एंड देन इफ, फिर से मैंने इफ़ किया एंड यहाँ पे फिर से कंडीशन लगाऊंगा G9, एक ही सेल पे कंडीशन लगाएंगे एंड हम सारी सेल में उसको ड्रैग कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो फार्मूला सेट कर लेगा। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ आगे करके, जैसे मैंने सेलेक्ट किया G9, G9 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, इज़ लेस देन 33, मतलब कंडीशन ये है कि हमारी जो सेल है उसमें अगर वैल्यू है 33 से कम तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए फेल, सॉरी गाइस, फेल। ओके, एंड अगर 33 से वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, पास। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एंड देन ओके एंड ओके, बिकॉज हमारा यहाँ पे है। तो गाइस यहाँ, तो गाइस देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 33, तो हमारा वैल्यू रिजल्ट आ चुका है पास। अब यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, मैं बेसिक एक्सेल में आपको बता दिया था कि जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली वो फार्मूला सेल्स के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग किया एंड देन ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे आ चुका है हमारा रिजल्ट फेल, एंड यहाँ पे 85 है तो हमारी डिस्टेंशन 80, डिस्टेंशन 90, डिस्टेंशन 60 पास, मतलब वैल्यू हमारी 33 से जहाँ जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ वहाँ हमारे पास है, एंड जहाँ जहाँ 33 से कम है तो वहाँ फेल है, एंड 75 से जहाँ वैल्यू इंक्रीज मतलब सॉरी ग्रेटर देन है तो वहाँ वहाँ हमारा जो है डिस्टेंशन है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने नेस्टेड इफ के बारे में आपको बता दिया है एंड ऑल्सो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारा जो फार्मूला था G9 सेल के लिए था, यहाँ पर हम देखेंगे G10 अपने अकॉर्डिंगली, जैसे ही मैंने ड्रैग किया उसने अपने अकॉर्डिंगली फार्मूला हमारा सेट हो चुका है। तो गाइस, आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड वगैरह एंड, और तो उसके बारे में हम देखेंगे। एंड गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।